अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे मीडिया टाइम्स MDTL के बारे में। ये सामने आप देख रहे होंगे MDTL का शेयर प्राइस 3.26 रुपये, मगर ये इस वक्त आजकल के दिनों में 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अभी इसमें और भी रिफ्लेक्शन आनी है, नीचे की तरफ झुकाव आना है, 2 रुपये के आसपास तक जाएगा। अगर करेक्शन बड़े साइज़ की हुई तो ये भी 2 रुपये तक जाएगा। अच्छा, हम अपने चैनल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 530 कंपनीज़ के बारे में तमाम की तमाम का एनालिसिस करेंगे। इनके आने वाले दिनों में रिज़ल्ट क्या होंगे, जो सबका गुजरे हुए वो डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा भी हम बहुत ही मुफीद मालूमात जैसे बिज़नेस टिप्स हैं, स्मार्ट आइडियाज़, ये वो डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चले चलते हैं मीडिया टाइम MDTL के बारे में। ये भी सामने आप देख रहे हैं इसका 1 साल का रिज़ल्ट, मार्च 2020 में ये 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा डाउन हुआ और 0.70 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा। अच्छा, 0.70 रुपये से पे आज यानी 1 रुपये से भी कम पे ट्रेड कर रहा था तो मार्केट में, क्योंकि बुल रन आ चुका था, तेज़ी का जो ट्रेंड है, तो तेज़ी के ट्रेंड के साथ साथ, अच्छा ये जो इस तरह के शेयर्स होते हैं 1 रुपये वाले, 8 आने वाले, 4 आने वाले, ये चलते हैं मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से। अगर मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रांग हो यानी तेज़ी की तरफ हो, जैसा कि पिछले 1 साल में आप देख चुके हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स, तो ये शेयर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। 1 रुपये वाली चीज़ अचानक ही उठ के 4 रुपये पर पहुँच जाती है, 5 पर पहुँच जाती है, 6 पर चली जाती है, यानी 500 गुना चल जाती है। मतलब 1 लाख की चीज़ पे 5 लाख, 6 लाख, 3 से 4 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर। अब मीडिया टाइम का भी यही है, ये भी 1 रुपये वाला शेयर पहले 2 रुपये पे पहुंचा, कुछ दिनों बाद 2 रुपये से गिर के इसमें माइनस खबरें आना शुरू हो गई, ये डिफॉल्ट इसमें चला गया और ये दोबारा 1 रुपये पर पहुँच गया, यानी 2 रुपये पर पहुँचा हुआ। अच्छा, ये है 4 महीने पहले की बात, जब ये 2 रुपये पर पहुँच के फिर से 1 पे चला गया था, मगर मार्केट के सेंटीमेंट के साथ साथ ये फिर से उठ के 2 पे दोबारा, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे, 3.76 पे इसको अपर कैप लग गया और अगले दिन 4.76 पे पहुंच गया। 4.76 मतलब 5 रुपये तक ये भी पहुंचा है। अब जो 2.5 साल से इसमें फंसे हुए थे, एक तो वो लोग निकल गए, इंतज़ार करने का या एवरेज करने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप में से कुछ लोग 2018 में, 2017 में काम कर रहे थे इस मीडिया टाइम में, WTL में या इस तरह के और भी स्टॉक्स हैं, ICIBL है, तो उन्होंने 2.40 का या 2 रुपये का डब्बा ख़रीदा मीडिया टाइम MDTL, और वो अगले 2 साल तक उसने परफॉर्म ही नहीं किया, गिरते 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 0.55 पे चला गया। मगर अगर आप पिछले 2.5 साल का और इस साल का चार्ट देखें MDTL का, तो ये आप वाजे अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 5 साल का रिव्यू भी, और आपने पहले 1 साल का भी देखा है कि जिन्होंने एवरेज आउट किया है, यानी 2.5 रुपये पर ख़रीदा है, मगर 1 साल इंतज़ार के बाद भी वो शेयर ऊपर जाने के बजाय 1 रुपये पे पहुंच गया, 2.5 वाली चीज़ 1 रुपये पे, उन्होंने फिर से 1 रुपये पे कुछ पैसे डाल के ख़रीद ली, तो वो WMDTL 8 आने पे चला गया, 0.55 पे चला गया, 60 पे चला गया, उन्होंने फिर से ख़रीद ली 0.55, 60 पे, जो भी जमा पूंजी थी। तो इसी तरह उन्होंने एवरेज आउट करके किसी न किसी तरह इस शेयर को मेनटेन रखा है 1.20-30 पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको वो एवरेज आउट किया हुआ शेयर भी MDTL आज 5 रुपये, यानी आज से कुछ दिन पहले तक 5 रुपये पर पहुँच गया था। ना सिर्फ आपके सारे पैसे वापस आ गए, बल्कि अच्छा खासा आपने अर्निंग भी कर ली। तो इसी तरह अगर आपका तो टाइम पीरियड है लॉन्ग टर्म का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, फिर आप इसमें कामयाब हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास टोटल 50,000 है और आप चाहते हैं कि हर रोज़ दिहाड़ी लगी रहे, तो इस तरह मुश्किल है, क्योंकि इस तरह आप एक स्टॉक ख़रीदेंगे, हो सकता है वो 6 महीने भी ना चले, मगर 6 महीने के बाद उसमें अच्छी खासी आउटपुट आ सकती है। तो कोई भी स्टॉक है, लंबे अर्से के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, फिर आप इस मार्केट में आएँ। इसके 4 से 5 साल लगेंगे सिस्टम को समझने में, इस 4 से 5 साल के दौरान आपने अपनी पैसों को ज़ाया होने से बचाना है बस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।